सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो पर जो रिएक्शन है वो ग्लोरी जो एल्बम है उसके हम चौथे गाने पर रिएक्शन करेंगे। सो जैसे कि इस गाने का नाम है बोनीता और इस गाने को सुनेंगे। और इस गाने में योयो हनी सिंह के साथ है दी शाम्स, और दी शाम्स को मे भी मैंने जो है रील्स वगैरह पर ही सुना है, ज़्यादा उनको सुना नहीं है। सो इस एल्बम में जितने भी आर्टिस्ट लिए हैं ना अपने साथ, जितने भी आर्टिस्टों के साथ कोलैब करी है, सो वो जो है वैसे ही नॉर्मल आर्टिस्ट हैं जो कि फेमस है, जिनको लोग जानते हैं, बट एक कहते हैं ना उनको एक सपोर्ट देकर जो है अपने साथ एक हाइप दी है, एक तरह से ये बोल सकते हैं। तो वो एक हैप्पीनेस वाली बात है कि चलो उनको भी जो है थोड़ा सा ये हो गया कि हाँ वो फेमस तो पहले से है अपनी एक कहते हैं ना अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से, क्योंकि वो बेस्ट हैं। और जब वो साथ में हनी पाजी का एक कहते हैं ना किसी का बड़े का साथ मिल जाता है, वो हनी पाजी वो है पहले के हैं, और उनका जब उनको साथ मिल जाता है इस तरह की कोलैब आ रही है ना, तो बहुत ही कमाल का जो है नेक्स्ट लेवल एक हाइप हो जाती है। एक तरह से हनी पाजी ने जो यहाँ पर एक सपोर्ट सा दिखाया है ना अपनी एल्बम में इस तरह के आर्टिस्ट लेकर, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है लगी मुझे। जिस तरह से पैराडॉक्स जिनको हम काफ़ी पसंद करते हैं, उनके काफ़ी काम को भी पसंद करते हैं, बट फिर भी जो है हनी पाजी उनको अपने साथ लेकर आया, तो एक एक्साइटमेंट जो है दुगनी तिगनी हो जाती है। भाई हनी सिंह के साथ पैराडॉक्स आया, वही सुनने का जो है दुगना तिगना मजा होने वाला है। तो उसी तरह जो है दी शाम्स इस गाने के अंदर है। हम ज़्यादा बात नहीं करते, इस गाने को सुनते हैं बोनीता, फिर उसके बाद हम इस गाने के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। जब भी वो घर की है करती सफाई, निकलता आशिकों का मलबा तू देख क्या, पूरों की जमीन पे तलाश नहीं होती, ना करता दीदार जो वो खास नहीं होती, हर एक मूव खास बंदी एक्सक्लूसिव, लाइक अ ब्लंड यारों में वो पास नहीं होती, तू करती डिजर्व ऑन लूप ये वफाएं, मैं हंस के कबूल करूँ तेरी ये सजाएं, आजा बरसा दे तेरे हुस्न की बारिश, काली काली जुल्फों की मेरे पे घटाएं। करते हैं मगर साफ मुकर जाते हैं, सामने आए तो कतरा के गुजर जाते हैं, दोस्ती इनकी ना अच्छी ना मोहब्बत अच्छी, इन हसीनों से तो है दूर की चाहत अच्छी, जिसको ये जुल्फ की जंजीर से आजाद करे, दिन तो दिन है दुनिया में भी बर्बाद करे। एल्बम का जो है जवाब नहीं है, यानी कि हम अभी जो है बीट्स म्यूजिक की बात कर रही हूँ कि किस तरह के सैंपल यूज किए गए हैं इस गाने में, पर्टिकुलरली इस गाने की बात कर रही हूँ इस गाने में, और आउटस्टैंडिंग यानी कि स्पीचलेस, जिस तरह से
यहाँ पर सैंपल यूज किए गए हैं ना, और साथ ही साथ जो लिरिक्स है भाई बहुत ही कमाल के, बहुत ही डिफरेंट तरह के जो लिरिक्स लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। और साथ में यहाँ पर दी शाम्स का जो काम था मुझे वो काफी ज्यादा अच्छा लगा, यानी कि हमें योयो हनी सिंह पाजी तो सुनने को मिले ही, और साथ में उनके लिरिक्स भी सुनने को मिले। बट मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, दी शाम्स का जो काम था यहाँ पर वो भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, जिस तरह से लिरिक्स वो लेकर आए थे। यानी ये गाना भी जो है मेरा पर्सनल हो गया, यानी कि पर्सनली फेवरेट ट्रैक हो गया मेरा, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यानी कि हम जो है इस एल्बम के यानी कि मैंने चौथा ये ट्रैक सुना है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं इस एल्बम के गानों को बार 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 सुनना पसंद करूँगी, क्योंकि इस एल्बम के जितने भी यानी कि मैंने चार गाने सुने हैं, तो इसके सैम्पल जो थे वो बीट्स के वो काफ़ी ज़्यादा उम्दा हैं, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और बात करें लिरिक्स की, बहुत ही कमाल के हैं। साथ ही साथ ये भी बोलना चाहूँगी कि ये चौथा ट्रैक था, और हर ट्रैक में कोई ना कोई डिफरेंट है, कोई ऐसा सिमिलैरिटी नहीं है, सब ट्रैक जो है वो डिफरेंट है, यानी कि बीट्स भी डिफरेंट है, लिरिक्स भी डिफरेंट है, वाइब भी डिफरेंट है, हर गाने की एक अपनी अपनी वाइब है, तो मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। और काफ़ी अलग अलग तरह के जो ये ट्रैक लेकर आ रहे हैं ना हनी पाजी इस एल्बम में, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो मुझे जो है ये गाना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और आप बताइए आपको ये ट्रैक कैसा लगा और उसमें मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।